अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो रेशो की फैमिली में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ मेरी डेली रूटीन शेयर करूँगी मेरे बच्चों के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अर्शु कपड़े सूखने डाल रही है यहाँ पे। हालांकि तीनों भी कपड़े सूखने डाल रहे थे, लेकिन आहिल और मरियम दोनों भाग चुके हैं बेचारी अर्शु के ऊपर सब रख के, लेकिन मेरी बेटी कर लेती है पूरा काम। उसके बाद हम चले नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ देखिए अर्शु यहाँ पर भी मेरी हेल्प करने आई है। अर्शु को एक्चुअली बहुत पसंद है कुकिंग करना। जब भी छुट्टी वगैरह होती है स्कूल की तो मुझे कहती है, मम्मा मुझे भी आप कुकिंग करने लो, मुझे भी सिखाओ कुकिंग करने का, मुझे भी आपके जैसी कुकिंग करना है। तो थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प कर लेती है और उसको बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। कभी भी मतलब कुछ भी चीज़ अगर बनानी रहती है तो बोलेंगी मुझे कि मम्मा मुझे बनाने दो, मैं खुद करती हूँ, आप मुझे सिर्फ बताते जाओ, मैं पूरी कुकिंग करूँगी। तो इसी बातों बातों में मैंने और अर्शु ने यहाँ पे नाश्ता बनाया। ये देखिए मैंने खास कुछ नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि मुझे मार्केट वगैरह जाना था। मैंने सिंपल नाश्ता बनाया था, ऑमलेट और रोटी बनाई थी यहाँ पे मैंने। यहाँ पे बच्चों का नाश्ता रेडी हो चुका है, ऑमलेट और रोटी, और फिर मेरा नाश्ता यहाँ पे जो रात में मैंने खीमा बनाई थी, बस वही मैं करूँगी नाश्ता। और ये देखिए हम साथ में मिल के नाश्ता कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं सुबह ही, और हम कभी कभार हमें साथ में नाश्ता करने मिलता है मेरे हस्बैंड के साथ। संडे को ही हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं, और बच्चों के साथ भी नाश्ता करने साथ में मिलता नहीं क्योंकि उनकी भी स्कूल रहती है, सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है। तो आज हम साथ में नाश्ता कर रहे हैं। अब नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा, तो अब मैं जा रही हूँ बाजार में, और ये छोटू साहब आ रहे हैं मेरे साथ बाजार। ये मेरी दुमची है कहाँ पर भी जाओ तो साथ में चिपके लिए रहती है ना। बाजार आ रहे हैं, चलो बाजार जाके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मार्केट हमारे घर के पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हमें गाड़ी वगैरह से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम वॉक करके ही चले जाते हैं। तो ये देखिए हम जा रहे हैं, मैं और आहिल हम पहुंच चुके हैं मार्केट। तो फर्स्ट हम मच्छी वगैरह रहती है, लेकिन हमने मच्छी बिल्कुल नहीं ली। यहाँ पे देखो हर चीज़ मिलती है यहाँ से, कपड़े से लेके बर्तन से लेके हर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मार्केट है। ये देखिए कपड़े वगैरह बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। मैं यहाँ से अर्शु और मरियम के लिए भी लेती हूँ कपड़े, फिर मैं यहाँ पे चली गई, मुझे कुछ दुपट्टा वगैरह लेना था। उसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह लिया और कुछ थोड़ी शॉपिंग कर ली मैंने। ये देखो आहिल को दिख गई दुकान, और यहाँ से आहिल टॉयज़ ले रहा है। बच्चों का ऐसा है कि पेट ही नहीं भरता कितना भी रहो घर में, बाहर जाने के बाद एक तो टॉयज़ घर में आना ही चाहिए, फिर कौन सी भी रहने दो छोटी या बड़ी। ये देखो बहुत खुश होता है ये सब छोटी छोटी चीज़ों में, और मुझे कहने लगा मुझे लो ही, और मैं ये सब ले चुकी हूँ। देखो मेरा बाजार हो चुका है, और आहिल ये टॉयज़ के साथ देखो कितना गर्म हो रहा है उस। ये देखो मरियम को आ गया है गुस्सा क्योंकि हमने मरियम के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया बाजार से। मरियम चलो अपन जाएंगे बाजार में, मरियम के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, है ना मरियम? रो क्या नहीं में। देखो दो भाई, दो आप मरियम के लिए लाए ना अपने भाई, देखिए आपके लिए लेकर आए हैं भाई, अच्छा है ना? नहीं अच्छा है, फिर क्या चाहिए आपको? और चाहिए, ठीक है अपन जाएंगे और तो मार्केट चले जाएंगे ना अपन। हम लोग अभी मार्केट जाके मरियम के लिए अच्छी सी टॉयज लेकर आएंगे, है ना मरियम? हवा खिलाओ मम्मा को, मम्मा को हवा खिलाओ। ओहो बाप रे बाप रे, कितनी हवा आ रही मरियम, बस 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 बस। यहाँ पे लंच टाइम हो चुका है, मैंने यहाँ पे चिकन ग्रेवी और जीरा राइस बनाया था। चिकन ग्रेवी की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। इंशाल्लाह मैं चिकन ग्रेवी की रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे खाना चल रहा है बच्चों का, ये देखो साथ में बैठ के खाना खा रहे थे बच्चे। खाना वगैरह होने के बाद इन लोग का अरबी का टाइम हो चुका था,
तो बच्चे चले गए अरबी में, ये देखिए। अरबी से आने के बाद बच्चों ने गार्डन जाने की ज़िद करे, तो मैंने कहा चलो गार्डन लेके चले जाते हैं, तो हम सब गार्डन जा रहे हैं। ये देखिए गार्डन में पहुंच गए हम। यहाँ पे मरियम देखो कितना एंजॉय कर रही है, और आहिल और अर्शु को भी उनके फ्रेंड्स मिल गए खेलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करे। और यहाँ पे देखिए भेल वगैरह लेके चले गए थे, भेल वगैरह खाए पिए, फुल एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगा उनको। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई रहेगी। छोटी सी कोशिश, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई रहेगी, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। तो मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।